आम तौर पर यह देखा गया कि जदों बहुत मोटे मरीज जिन्हों के गोडे खराब होए होंगे है वो उन्होंने गोडिया का ऑपरेशन कराने लिए कहा जाए तो वो उन्होंने मन के बहुत डर बैठा होंगे। वो हमेशा ये सोचते हैं कि जे असी गोडे बदलवा लए तो असी पहला नालों भी रह जाना। और फिर जो योजे मोटे मरीज जो डॉक्टर साहबान को जाते हैं तो हड्डियां के बहुते डॉक्टर साहबान भी जोड़े ने उन्होंने दिमाग के सशोपंज जी होंगी है कि इन्हों गोडे बदलीए या ना बदलीए। और दोवें अपनी जगह पर ठीक ने क्योंकि अज तक की जी प्रचलित टेक्नोलॉजी है ना गोडे बदलन की उन्होंने मैनुअल टेक्नोलॉजी कहा जाता। वो जे मोटे लोगों के गोडे बदले जान तो फेलियर के चांसिस जोड़े ने वो आम लोगों के गोडिया के ऑपरेशन के नालों कित ज़्यादा होंगे ने। और गोडे बदलन का जोड़ा ऑपरेशन वो एक ऐसा ऑपरेशन है कि जे 3 डिग्री तो वध की गलती रह जाए गोडा बदलन के फिर गोडा बहुत जल्दी फेल हो जाता। और ये 3 डिग्री की गलती जी है ना ये पुरानी टेक्नोलॉजी के नाल पता नहीं चल सकती। खास करके जेडे मोटे लोग होंगे ने मोटे मरीज होंगे ने उन्होंने जे गलती रह जाए 3-4 डिग्री की तो उन्होंने गोडे तो बहुत ही जल्दी जोड़े ने ख़त्म हो जाते हैं बदलन तो बाद बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं। सो चंगी किस्मत नूं एक नवी टेक्नोलॉजी आ गई है गोडे बदलन की जिन्हों रोबोटिक टेक्नोलॉजी कहा जाता है यानी कि रोबोट की हेल्प दे नाल गोडे जोड़े ने वो बदले जाते हैं। और लकीली ये टेक्नोलॉजी असी अमृतसर 2018 के इंट्रोड्यूस की अमनदीप हॉस्पिटल्स के इस टेक्नोलॉजी का मेन फायदा यह हुंदा है कि जिहड़ी 3 डिग्री की गलती दूजे तरीके दे नाल रह जाती है वो गलती जिहड़ी आ वो रोबोटिक टेक्नोलॉजी दे नाल वो गलती बिल्कुल ही नहीं रहिंदी। उहदा कोई चांस नहीं हुंदा कि कोई अलाइनमेंट दे विच गलती आ जाए। दूसरा उहदा मेन फायदा यह हुंदा है कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी दे नाल मसल्स और लिगामेंट्स नूं बिल्कुल ही टच नहीं किया जाता और हड्डी भी जिहड़ी आ वह नाम मात्र ही जिहड़ी आ घसाई जाती है। सो इस टेक्नोलॉजी दे नाल हुण साडे जिहड़े मोटे मरीज़ ने उन्हां नूं भी अपना ऑपरेशन कराउण दे दौरान डरन की बिल्कुल लोड़ नहीं है क्योंकि उन्हां दे ऑपरेशन भी जिहड़े ने उह बिल्कुल तकरीबन 100% रिजल्ट दे नाल ही होया करनगे। जिहड़ा तुसीं मरीज़ जिन्हां दी तुसीं पिक्चर देखोगे उन्हां दा ऑपरेशन भी जिहड़ा उह रोबोट दी हेल्प दे नाल ही कीता गया है। और तुसीं हैरान होवोगे कि ये बहुत कामयाब ऑपरेशन होया और मरीज़ थोड़े दिनों दे विच दोबारा जिहड़ी वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जिहड़ी है वो जी रहा। मैं बलजिंदर कौर पिंड काजीवाल जिला तरनतारन दी रहण वाली हां। मेरे 1 साल पहला सट लगी मैं डिग पई ही गोडे नूं बहुत प्रॉब्लम है। 1 साल तो मैं इहदा इलाज करा रही सी ते पर कोई फर्क नहीं पिया। फिर मैनू पता चलिया कि अमनदीप हॉस्पिटल दा उत्थे असीं डॉक्टर अवतार सिंह नूं मिले उन्होंने दस्या कि तुहाडा गोडा बदलना पऊगा ते इस तों बाद असीं डॉक्टर ना मिले उन्होंने को तरीक लई ते ऑपरेट करा लिया। उस तों बाद मैं बिल्कुल ठीक हाँ। उन्होंने 3 दिन मैनू तुरना दवाता। मेरा नाम जगदीप सिंह है। ये मेरे मदर ने 1 साल पहला नी दी इंजरी सी डिगण कारण जिहड़ी इंजरी सी वह बहुत वध गई सी ते उहदे करके इन्हां नूं मैं बहुत सारे होस्पिटल दे विच लैके गया ट्रीटमेंट लई पर उन्होंने उत्थों कदे आराम नहीं आया। तो 1 साल बाद सानूं पता चलिया अमनदीप होस्पिटल का उन्होंने जदों सानूं रोबोटिक ऑपरेट बारे दस्या उस विच उन्होंने दस्या कि वेट का जिहड़ा कोई इशू नहीं हैगा जिन्ना वेट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो ये इन्हां दी रिकवरी है जिहड़ी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो फिर उन्हां दा जदों असीं डेट लै ली सारी डेट फिक्स हो गई फिर उन्हां दा ऑपरेट होया फिर उन्हों 3 दिन ही वॉकर दे नाल थोड़ा थोड़ा तुरना स्टार्ट कर दिता उन्होंने। जो उस तो बाद हफ्ते बाद उन्होंने छुट्टी हुई उस तो बाद जो घर आए 1.5 महीने बाद वो प्रॉपर अपना वॉक करन लगे तो हुण वो बिल्कुल ठीक ने। तो असीं अमनदीप होस्पिटल तो डॉक्टर अवतार सिंह तो उन्होंने स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने मेरे मदर का बहुत वधिया ट्रीटमेंट किया जो अज वो वधिया तरीके चल सकती।